नमस्कार। आज हम इंडक्शन मोटर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें रोटर फील्ड और स्टेटर फील्ड में लॉकिंग कैसे होती है, क्योंकि रोटर स्टेटर फील्ड के पीछे पीछे दौड़ता है, यानी कि हमेशा पीछे रहता है, यानी कि उनके बीच में क्या होती है, एक रिलेटिव मोशन होता है। लेकिन रोटर में जो फील्ड जनरेट होता है और जो स्टेटर में जो फील्ड जनरेट होता है, वो एक ही स्पीड पर रोटेट करते हैं, यानी कि दोनों के बीच में क्या होती है, लॉकिंग होती है। उनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो उसी को अपन आज यहां पर डिस्कस करेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे। चूंकि रोटर रोटेट एट ए स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ द स्टेटर फील्ड, क्योंकि स्टेटर फील्ड आपका सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है। डिस्पाइट दिस फ्लक्स प्रोवाइडेड बाय द रोटर करंट रोटेट एट द सेम स्पीड एज द फ्लक्स ऑफ द स्टेटर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन अपन इसका देखते हैं। द स्पीड ऑफ द स्टेटर रोट फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि स्टेटर का जो फ्लक्स है वो एक सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, और इसकी जो वैल्यू क्या होती है, 120 एफ अपॉन पी, यानी कि 120 एफ अपॉन पी इंटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो इसी हिसाब से फिर रोटर में भी चूंकि वोल्टेज इंड्यूज होता है, उसकी वजह से करंट इंड्यूज होता है, और करंट इंड्यूज होता है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो रोटर का जो फ्लक्स है वो भी एक पर्टिकुलर स्पीड पर रोटेट करना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू रोटर, और उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 120 अपॉन पी इंटू रोटर फ्रीक्वेंसी। और 120 अपॉन पी, जैसे कि अपन जानते हैं कि स्टेटर और रोटर में जो पोल्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, तो इसलिए अपन ने पी को भी सेम रखा है। तो 120 अपॉन पी इंटू एफ टू, फिर एफ टू इधर रोटर फ्रीक्वेंसी। अब जैसे कि अपन जानते हैं कि रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टेटर फ्रीक्वेंसी और स्लिप के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है, तो यहां पर अपन ने क्या रख दिया, ऐसे रख दिया। इसका मतलब क्या है कि रोटर का जो फ्लक्स है वो किस स्पीड से रोटेट करता है, एस एन एस विद रेस्पेक्ट टू रोटर, यानी कि रोटर का जो फील्ड है वो रोटर के रेस्पेक्ट में एस एन एस स्पीड से रोटेट करता है। क्योंकि यहां पर क्या है, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 120 एफ अपॉन पी इंटू एस, ये क्या चीज है, स्टेटर का फ्लक्स, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। अब चूंकि रोटर भी स्टेटर के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से घूमता है, एन की स्पीड, यानी कि उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, ns माइनस n, ठीक है। अब चूंकि रोटर स्टेटर के रेस्पेक्ट में n स्पीड से घूम रहा है, और रोटर का जो फ्लक्स है वो रोटर के स्पीड रेस्पेक्ट में s n स्पीड से घूम रहा है, तो अगर अपन देखें कि स्पीड ऑफ द रोटर विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर, स्टेटर के रेस्पेक्ट में रोटर जो फ्लक्स है उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसकी स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें स्पीड ऑफ द रोटर और स्पीड ऑफ द रोटर फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू रोटर दोनों को ऐड कर दें, स्पीड ऑफ द रोटर विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर और स्पीड ऑफ द रोटर फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू रोटर, इन दोनों को अगर अपन ऐड कर दें, ऐड करने पर क्या होगा, एन प्लस एस एन एस आ गया। बट एस क्या होता है, स्लिप क्या होती है, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, स्लिप आपकी ये होती है। इससे एस एन एस, इसको इधर ले जाएंगे, एस एन एस क्या होगा, एन एस माइनस एन आ जाएगा। तो जो ये एस एन एस है इसकी जगह अपन ये चीज रख दें, यानी कि इस वाली इक्वेशन में इस चीज को रख दें, तो स्पीड ऑफ द रोटर फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर क्या हो जाएगा, एन की जगह एन, एस एन एस की जगह एन एस माइनस एन, तो एन से एन कट गया और ये क्या बचा आपका, एन एस बचा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस रोटर
फ्लक्स की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर क्या होती है, एनएस। कहने का मतलब क्या है कि रोटर फ्लक्स एफ आर, स्टेटर फ्लक्स एफ एस, ये दोनों एक ही स्पीड से घूमते हैं। जबकि क्योंकि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई आर, फाई एस एंड साइन डेल्टा, ये होती है। यानी कि इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क होता है वो फाई एस, फाई आर और साइन डेल्टा, और साइन डेल्टा क्या है या डेल्टा क्या है, फाई एस और फाई आर के बीच में एक एंगल है जिस जो कि स्लिप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका फाई एस तो फाई एस ऐसे घूम रहा है तो हो सकता है कि फाई आर आपका ऐसे हो, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो डेल्टा, और ये जो डेल्टा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्लिप या लोड के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो आप इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे प्रूव हो रहा है कि चूंकि ये कॉन्स्टेंट है और ये कॉन्स्टेंट है, ये दो एक दूसरे के लॉकिंग में, ये कॉन्स्टेंट है और ये भी आपके चूंकि स्लिप के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये टॉर्क है, एक कॉन्स्टेंट टॉर्क जनरेट होता है। इसलिए इन मोटर्स को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट टॉर्क, या चूंकि टॉर्क कॉन्स्टेंट है, अगर मोटर का टॉर्क कॉन्स्टेंट तो स्पीड भी कॉन्स्टेंट होगी, इसलिए इंडक्शन मोटर्स को अपन कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर भी बोलते हैं। यानी कि इनकी जो स्पीड है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड बहुत कम चेंज होती है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेल्टा, क्योंकि डेल्टा बहुत कम चेंज होता है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, करीब 3-4% चेंज होता है, इसलिए जनरली क्या बोलते हैं अपन इसको, कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर भी बोलते हैं। तो आशा है समझ में आ गया, बहुत अच्छा टॉपिक है, धन्यवाद।